हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी दिन भर की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इमरान खान ने दी परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी, बोले भारत से बातचीत का कोई मतलब नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह भारत के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहते। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इमरान खान ने कहा कि भारत से बात करने का कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है मैंने सब कुछ कर लिया है। दुर्भाग्य से अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो शांति और संवाद के लिए जो मैं कर रहा था, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे तुष्टीकरण माना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इमरान खान ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान जवाब देने के लिए मजबूर होगा। इमरान खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए कश्मीर में झूठा अभियान शुरू कर सकता है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, मेरी चिंता यह है कि यह बढ़ सकता है और दो परमाणु सशस्त्र देशों के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा। दोस्तों इस तरह से पाकिस्तानी पीएम ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली और उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह से कमजोर ना समझे। दोस्तों इमरान खान के द्वारा इस तरह धमकी दिए जाने को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम नहीं कर रहे जांच में सहयोग, पूछताछ में नहीं दिए सीबीआई के सवालों के जवाब, सूत्रों से मिली जानकारी। जी हां दोस्तों, आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदंबरम पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार पी चिदंबरम सीबीआई को न ही इस केस से बाबत कोई जानकारी दे रहे हैं और न ही सीबीआई द्वारा पूछे गए अधिकतर सवालों का जवाब दे रहे हैं। पी चिदंबरम के इस रुख को देखते हुए सीबीआई अब इंद्राणी मुखर्जी से उनका आमना सामना कराने की तैयारी में है। दोस्तों उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट में पेश होने के बीच सीबीआई ने पी चिदंबरम से दो बार पूछताछ की है। पहली पूछताछ गिरफ्तारी के कुछ समय बाद सीबीआई मुख्यालय में हुई थी, जबकि गुरुवार सुबह सीबीआई ने दोबारा पूछताछ की थी। सीबीआई ने चिदंबरम से पूछताछ के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में करीब आधा दर्जन अधिकारी तैनात किए हैं। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान से तनाव के बीच बढ़ेगी भारत की सैन्य शक्ति, इस दिन देश को मिलने वाला है पहला राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच भारत की सैन्य शक्तियों में इजाफा होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों भारत को फ्रांस से अपना पहला राफेल लड़ाकू विमान मिलने जा रहा है। यह भारत को मिलने वाला पहला राफेल लड़ाकू विमान होगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ इसे लेने के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के अनुसार 20 सितंबर को राजनाथ सिंह और बीएस धनोआ की मौजूदगी में राफेल जेट विमान भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों भारतीय वायुसेना के मुताबिक फ्रांस के अधिकारी वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना चीफ बीएस धनोआ और कई रक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में राफेल विमान को भारत को देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आर्टिकल 370 और पीएम मोदी की वापसी ने बीजेपी को किया और मजबूत, सदस्यता अभियान ने तोड़ डाले पुराने सारे रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का जबरदस्त असर बीजेपी की सदस्यता अभियान पर भी देखने को मिला है। इस बार पार्टी के सदस्यता अभियान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 6 जुलाई से 20 अगस्त तक चले सदस्यता अभियान में लगभग 3,80,00,000 नए सदस्य बने हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। पार्टी की आईटी शाखा द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फिर आसमान पर पहुंचे प्याज के दाम, एक महीने में इतनी बढ़ गई कीमतें। जी हाँ दोस्तों, प्याज की कीमतें एक बार फिर आम आदमी को रुला रही है। पिछले एक महीने के दौरान प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। इस दौरान प्याज के भाव में 75% से भी ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। फुटकर कीमतें बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। पिछले 5 दिन में ही कीमतों में 20% से ज्यादा का उछाल आया है। प्याज की कीमतों में तेजी का कारण आवक में कमी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बारिश से फसल में कमी आई है। नमी की वजह से भी फसलों को नुकसान हुआ है।
है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों मौसम समाचार के रूप में। लेकिन दोस्तों मौसम समाचार जाने उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे प्यारा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगले 72 घंटे में बिगड़ सकते हैं ओडिशा के हालात, हो सकती है भारी से भारी बारिश। जी हां दोस्तों, पहले से ही बाढ़ की मार से परेशान ओडिशा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा में अगले 72 घंटों में तेज बारिश की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी से सटे ओडिशा तट पर 1.5 से 4.5 किमी के बीच तूफान आ सकता है, जिससे ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 45 से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो उड़ीसा के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल समेत कई राज्यों में आज बारिश की चेतावनी है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल के रेट में स्थिरता, डीजल में भी है नरमी। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में चल रही सुस्ती के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल के रेट में आज लगातार तीसरे दिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। दोस्तों बात करते हैं आज 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.84 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 65.11 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। सोना हुआ महंगा, चांदी में आया 1140 रुपए का उछाल। जी हां दोस्तों, आभूषण कारोबारियों की सतत लेवाली के समर्थन से दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 50 रुपए की तेजी के साथ 38,820 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी का भाव भी 1140 रुपए बढ़कर 45,040 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क यात्रा में खलल डालने के लिए बना रहा है पाकिस्तान नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान वहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है। इमरान खान ने बुधवार को फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा, ताकि जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को निरस्त करने के भारतीय प्रधानमंत्री के फैसले पर उनकी सरकार को वैश्विक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़े। द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई के केंद्रीय मीडिया विभाग ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में भाग लेने न्यूयॉर्क जा रहे मोदी की यात्रा के दौरान तीव्र विरोध प्रदर्शन होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रेलवे प्लास्टिक की थैली पर रोक लगाएगा, IRCTC पानी की बोतल वापस लेगी। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील से संकेत लेते हुए रेलवे ने अपने नेटवर्क में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है। रेलवे ने बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की थी। दोस्तों बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे के सभी वेंडरों और कर्मचारियों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए तथा दोबारा इस्तेमाल वाले थैलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्लास्टिक के उपयोग में कटौती के संबंध में 2 अक्टूबर को एक संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगले हफ्ते से ऑनलाइन पैसों का लेन देन करना होगा और आसान, RBI ने बदला रूल। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं तो जरूर जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि अब हाई वैल्यू यानी कि RTGS ट्रांजेक्शन सिस्टम सुबह 8 बजे की जगह 7 बजे से चालू हो जाएगा। यह नया नियम 26 अगस्त 2019 से लागू हो जाएगा। फिलहाल RTGS सिस्टम में कस्टमर ट्रांजेक्शंस की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। वहीं बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शंस की टाइमिंग सुबह 8 से शाम 7:45 तक है। दोस्तों RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि RTGS सिस्टम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया।
कहा है कि कस्टमर्स और बैंकों के लिए इसका ऑपरेटिंग टाइम बढ़ाकर सुबह 7 बजे कर दिया जाए। यह बदलाव 26 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की काम की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।